يا رب كاميرا هنا صوت البحر كان بيرجو एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि मैं ये जो चीजें मैं बनाया ना, ये चीजें मुझे अब मैं क्या करूंगा ना, कल से ये जो रिसोर्सेस मैं सोच रहा हूँ, ये रिसोर्सेस मैं कल से एक लिस्ट बना के रखूंगा, तो क्या होगा ना, हमारा टाइम कम जाएगा। अच्छा इसमें देखो एक ये पार्किंग, डू यू नो व्हाट इज डोमेन पार्किंग? इसमें एक टर्म आता है डोमेन में ही, किसी को आइडिया है इस बारे में? लाइक डोमेन के बारे में अगर थोड़ा बहुत पता हो तो। नहीं पता है किसी को, तो नहीं कोई सर, बात नहीं है। डोमेन पार्किंग मतलब होता है ना कि जैसे बाय द वे मान के चलो कि कैसे समझाऊं कि मेरा एक जैसे डोमेन नेम हो गया, बाय द वे मान के चलो कि customize.com करके एक डोमेन हो गया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस डोमेन को खरीद लिया कहीं पे, उसको रख दिया। अभी नेक्स्ट टाइम जो खरीदने आएगा बंदा, जो अगर उसका कंपनी का नाम है customize.com, तो उसको मेरे पास कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं ना, पैसा के चक्कर में डोमेन ब्रोकरिंग जो होता है, जैसे लोग घर बेचते हैं ना ब्रोकरिंग पे, वैसे ही डोमेन बेचते हैं। तो क्या करता है, लोग डोमेन को खरीद के कहीं पे रख देते हैं, तो वही कहलाता है डोमेन पार्किंग, ठीक है। तो बेसिकली आज देखो डोमेन में हमें दो ही चीज समझना है, ये NTLD भी है, कुछ इसी से रिलेटेड है, बट हमें बेसिकली इन दोनों का काम आता है, ठीक है। एक GTLD और CCLD, ठीक है। एक कंट्री कोड होता है और एक होता है ये जो डॉट कॉम होता है, और एक और होता है, एक एक जैसे दिखता है ब्लॉग डॉट कुछ ऐसे करके लिखा रहता है। देखो यहाँ पे देखो ब्लॉग डॉट हबस्पॉट, देखो ये है ना, इस तरह का आता है, ये सब डोमेन कहलाता है, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो ना ब्लॉग डॉट हबस्पॉट डॉट कॉम, या फिर एडू डॉट एडुरेखा डॉट कॉम, ऐसा करके कुछ होता है ना, तो जो इसको कहते हैं मेन डोमेन, जैसे हबस्पॉट डॉट कॉम हुआ ना, ये कहलाता है मेन डोमेन, ठीक है। और ये जो ब्लॉग डॉट हबस्पॉट डॉट कॉम हुआ, इसको कहते हैं सब डोमेन, ठीक है। तो क्या होता है ना, कोई कोई कंपनी को जैसे होता है कि अपना मेन कंपनी के नाम से ही उसको ब्लॉग पेज बनाना होता है, लाइक ब्लॉग का एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ही वेबसाइट का एक सब डोमेन ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, और कुछ बताए? जी सर। आज का क्लास थोड़ा इधर उधर हो गया ना, एक्चुअली क्या है ना, आज आज वाला क्लास थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल चीजें मैं ना ज्यादा यूज नहीं करता, दैट्स व्हाई वो मैं टेक्निकली पूरा तरह से मैं तुम लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ। मेरा मोस्टली जो है, मैं मार्केटिंग के चीजों में ज्यादातर मैं ध्यान रखता हूँ। देखो सब डोमेन एडिशनल पार्ट ऑफ योर डोमेन नेम, समझ रहे हो? देखो स्टोर डॉट योर वेबसाइट डॉट कॉम, समझ में आ गया कि, और लाइक और एग्जांपल चाहिए? ओ सर, आपने बताया कि जो कंपनी होती है वो अपने ही डोमेन नेम से सब डोमेन ले लेते, तो सर वो हाँ ऐसा सब डोमेन क्यों लेते, इसका पर्पस अच्छा क्या एक है? बात बताओ, मैं ऐसे समझाता हूँ इसको कि जैसे बाय द वे मान के चलो कि
मेरा मेन कंपनी का पेज है, उसी से रिलेटेड मुझे एक, मान के चलो मैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट खोलना है, ठीक है। जैसे बाय द वे मान के चलो कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे जूता का कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे पहले से कुछ और इंडस्ट्री में था वो, मान के चलो पहले ई कॉमर्स में, सॉरी ऐसे मैं समझाता हूँ, देखो कि आईटीसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आईटीसी पहले होटल का ब्रांड है, मोस्टली वो होटल का ब्रांड है। वो लास्ट टाइम क्या किया, वो दूध बेचना शुरू किया आईटीसी। अभी अगर उसको दूध के लिए स्पेसिफिक वेबसाइट चाहिए तो वो क्या करेगा, milk.itc.com ऐसा लिख सकता है, अच्छा, बस वो अपने कंपनी वो मतलब वो नेम मतलब सेम रहेगा, बस उसका वो सब डोमेन चेंज हो जाएगा। लाइक वो उससे क्या होगा ना, बिजनेस डिफाइन हो जाएगा उसका कि ये कंपनी का इस पर्पस के लिए ये वाला वेबसाइट है, अच्छा ठीक है। हाँ सर, समझ में। और कोई लाइक सिद्धांशु, लाइक तुम्हें कुछ समझ में आ भी रहा है कि बस चले जा रहे हो? नहीं सर, समझ में आ रहा नहीं, सवाल है तो करो, सवाल जरूरी है, जी डर सर, लगता है सवाल नहीं करने पे। प्रॉब्लम नहीं सर, समझ में आ रहा। प्रॉब्लम उसी का है, समझा? मेरे लिए प्रॉब्लम यही होता है कि जब सवाल नहीं करोगे ना, मैं फंसूंगा तो मैं कहीं से जुगाड़ करके मैं तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन जब तुम सवाल ही नहीं करोगे ना तो फिर चक्कर पड़ जाएगा कि भाई मुझे कैसे समझ आएगा कि ये चीजें हो भी रहा है कि नहीं। सर ये जो बेसिकली जो डोमेन है हाँ, उसको होस्ट, जो डोमेन है उसको होस्ट कैसे करते हैं? डोमेन को होस्ट करने के लिए वो लोग है ना, बहुत सारा जो थर्ड पार्टी वेबसाइट चलाते हैं, जैसे GoDaddy.com हो गया, मे बी HostGator.com हो गया, ये सब वही तो करते हैं, डोमेन नेम होस्ट करते हैं। डोमेन नेम, वेबसाइट होस्टिंग सब उन्हीं लोगों के पास तो होता है, वो फिजिकली एज अ पर्सन हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक लोग होते हैं या स्पेसिफिक बिजनेस होता है जो जो सर्वर से कांटेक्ट करके रखता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे देखो तुम लोग को बताना भूल गया कि डोमेन लो, ये जो डोमेन नेम है ये देता कौन है? ये जो डोमेन जो तुम्हें, जैसे तुम जाके कहीं पे बुक करते हो कि लाइक मे बी राजा डॉट कॉम, सोनचीत डॉट कॉम, ये देता कौन है? ये देता है आई कैन। देखो ये जो आई कैन है ना, यही देता है ये डोमेन। देखो यही है जो कि हमें डोमेन नेम देता है, इसी के अंदर सारा डोमेन आता है, यहीं से सारे लोगों को पता चलता है कि ये डोमेन बुक है या ये डोमेन खाली है या ये डोमेन आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये वाला मैं लिंक तुम्हें दे रहा हूं, ये मैं कहाँ दूं, प्रॉब्लम तो ये है कि मैं दूंगा कहाँ, कहाँ पे लाइक ये लिंक मैं रखूं अभी, कैसे पता चले? मैं किसी एक को भेज देता हूँ, ठीक है, तुम लोग आपस में शेयर कर लेना। अब डोमेन के बाद यहाँ पे इसमें सर्वर है कहीं पे, डोमेन नेम वेब होस्टिंग, देखो सर्वर का कहीं बात ही नहीं किया है, कोई बात नहीं है, व्हाट इज सर्वर ये भी देख लेते हैं। किसको भेज दूँ? तुम्हारा है राजा, मैं तुम्हें ये लाइक भेज दे रहा हूँ, ठीक है, ये सबको भेज देना, वो लोग भी देख लेंगे, ठीक है। अगर सब डोमेन जानना हो, सब डोमेन के लिए भी मैं वेबसाइट दे दे रहा हूँ, ये भी तुम इसका हब स्पॉट ले लो, ये सही रहेगा, नहीं तो डायरेक्टली हॉस्ट गेटर ये बेटर रहेगा, हॉस्ट गेटर।
ये क्योंकि होस्टिंग का ही काम करता है, इसलिए इसका इंफॉर्मेशन परफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे देखो ये हबस्पॉट बहुत बड़ा कंपनी है, लेकिन ये फेमस किस चीज के लिए है? बेसिकली कंटेंट लिखने के बारे में है, लेकिन ये टेक्निकलिटी में हम अगर जाएंगे तो ब्लॉग ब्लॉग और टेक्निकली मतलब टेक्निकलिटी में दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, ये चीजें अलग है। तो दैट्स वाई जो लोग उसमें स्पेशलिस्ट हैं हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर हमें बाय द वे मान के चलो कि बाय द वे ब्लॉग कैसे मैं समझाऊं, अगर तुम्हें कंटेंट लिखने के लिए सीखना है तब तुम हबस्पॉट के पास जा सकते हो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानना है तब तुम हबस्पॉट के बारे में मतलब इसके पास जा सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट काम के लिए फेमस होता है, उसी हिसाब से हम लोग इंफॉर्मेशन उठाएंगे। ठीक है, अभी देखो लाइक व्हाट इज सर्वर, इसका मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन में थोड़ा ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। लाइक ये पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है किसी को? ये सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और डिवाइस दैट प्रोवाइड अ सर्विस टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इट्स यूजर एज ऑल्सो नोन एज क्लाइंट इन डेटा सेंटर। बेसिकली देखो मैं अगर बोलू ना तो जैसे ये जो इंटरनेट जो था, इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन का जो सेंटर होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है, उसको हम लोग सर्वर कहते हैं। ठीक है, लाइक जी सर, समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ सर, हाँ, तो बेसिकली डिफरेंस ये है, इंटरनेट जो है कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, ठीक है, बट सर्वर क्या है, जहाँ पे डेटा मतलब स्टोर होता है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल देखो, ऐसे देखते हैं, अगर हमें बाय द वे एक मैंने ये लिखा क्या बोलते हैं गूगल डॉट कॉम, चलो ठीक है मैंने लिखा ड्राइव डॉट कॉम, ये जो मैं सर्च करूंगा ना, ये सर्च करने के जो बैकएंड में क्या होगा, ये वाला जो ये डोमेन है, ये डोमेन होगा कन्वर्ट नंबर में, ये नंबर किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा, जो डीएनएस बोलते हैं, डीएनएस के पास जाएगा, वो वापस उसी कोड को इसमें लाइक जो तुमने इंफॉर्मेशन जो ये लिखा कि हमें ड्राइव खोलना है ड्राइव के लिए, तो ये क्या करेगा ना, जो नंबर्स में था वो सर्वर को भेजेगा, जो जो डीएनएस है, डीएनएस सर्वर को ट्रांसफर करेगा, सर्वर अपना फाइल वहां से ढूंढेगा और वहां से वापस तुम्हें ये ब्राउजर के माध्यम से तुम्हें वो शोकेस कर देगा, ये जो तुम्हें दिखा, ये दिखने के लिए बैकएंड में ये चीजें होता है, समझ रहे हो? हमने क्या बताया कि ये जो तुमने ये जो डोमेन का जो नाम लिखा, ये नाम लिखा, ये कन्वर्ट होगा कोड में, कोड में कन्वर्ट होने के बाद ये जाएगा डीएनएस में सर्वर के पास, सर्वर इस कोड को कन्वर्ट करेगा, जैसे कोड को ही तो समझता है सर्वर, जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज होता है उसी कोड के अनुसार पे वो अपना फाइल ढूंढेगा अपने सर्वर में, और उसके बाद वापस ब्राउजर के हेल्प से तुमको ये पेज दिखा देगा। ठीक है, समझ में आ गया सर्वर कैसे काम करता है? जी सर, लाइक और कोई लाइक कुछ अगर हेजी वेजी हो गया तो बोलो, मैं फिर से वो चीजें लाइक मैं वो नहीं हुआ तो एक पिक्चर बना के मैं तुम्हें समझाऊंगा। हेलो, कि लाइक ये चीजें सर से ऊपर जा रहा है, लाइक थोड़ा नहीं भी समझ में आ रहा तो थोड़ा मुझे बताना है एक्चुअली में। सर मुझे यहाँ तक तो समझ में आया, जो ऊपर में जो ये जो वेबसाइट रहता है इसको वो कन्वर्ट कर देता है कोड में, और कोड न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। हाँ, तो वो जो देखो अभी मैं एक काम करता हूँ ना, जैसे देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें इमेज से। देखो इससे समझते हैं, ये क्लाइंट हो गया कौन सा, कंप्यूटर मोबाइल ये सारी जो डिवाइसेस हो गया, इसका कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ठीक है,
ये इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन हम लोग जो एक्सेस कर पाते हैं, वो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है कहाँ? ये सर्वर में। समझ गए मेरी बात? हाँ सर, अभी अगर हम लोगों को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, मोबाइल में हमने लिखा drive.google.com, ये जाएगा इंफॉर्मेशन इंटरनेट में। इंटरनेट क्या करेगा, इसको भेजेगा सर्वर के पास। सर्वर अपना वो अपना जो डेटा स्टोर्ड है वहां से वो तुम्हारा फाइल निकालेगा, फिर वापस भेज देगा तुमको वापस विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। ठीक है, अच्छा ब्राउजर का काम वही रहता है कि तुम्हारा जो ये जो तुमने नाम लिख के जो भेजा उसको कोड में कन्वर्ट करना, और वो कोड के सहारे तुम्हें सर्वर तक पहुंचाना, ताकि सर्वर वो फाइल ढूंढ के वापस वो कोड में ही देता है ब्राउजर को। लेकिन ब्राउजर, उसके पास ऐसा कुछ वैसा रिसोर्सेज या वैसा सिस्टम होता है जो कि उस कोड को वापस से पिक्चर या टेक्स्ट में कन्वर्ट करके तुम्हें दिखा पाता है। ठीक है, समझ गए? सर, तो एक तरह से हाँ, डेटा का स्टोर हाउस हुआ सर्वर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जहां पर डेटा स्टोर होता है, मैं वही तो बोला तुम्हें। समझ गए सर। हाँ, और अगर कोई पूछे कि लाइक ब्राउजर का काम क्या है, तो ब्राउजर बेसिकली हमारे क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल पार्ट को, या हमारे जो आईपी है, हमारा डोमेन नेम है, उसका जो होता है जो आप इंफॉर्मेशन ढूंढे उसको कोड में कन्वर्ट करके सर्वर के पास भेजता है, और सर्वर से जो फाइल मिलता है वो भी कोड में ही होता है, वो कोई नंबर या इमेज में नहीं होता है। तो वो कोड को वापस इमेज या पीडीएफ या टेक्स्ट ऑडियो इसमें कन्वर्ट करके आपको जो दिखता है उसका काम होता है ब्राउजर का। ठीक है, हाँ सर, समझ गए। चलो समझ गए। मूविंग ऑनवर्ड्स, ये आज खत्म नहीं होगा, मुझे पता है। ये टाइप ऑफ वेबसाइट, बेसिकली दो तरह का वेबसाइट होता है, एक डायनेमिक होता है, दूसरा स्टैटिक होता है। ठीक है, तो इसमें देखो डिफरेंस मैं यहाँ दिखाऊंगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा, वैसे नहीं से समझ नहीं पाओगे, फिर हेजी पेजी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ये तो कुछ और ही बता दिया, ये टाइप ऑफ वेबसाइट ये है ही नहीं, ये कुछ और बता रहा है। ये तो बेसिकली एक समझ लो कि वो डिवीजन हो गया, कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, स्टोर वेबसाइट हो गया, उसके बाद ब्लॉग वेबसाइट हो गया, ये तो दूसरा चीज हो गया, ये इस पे हमें अभी ध्यान नहीं देना है। देखो यहाँ पे है ना, टाइप्स ऑफ वेबसाइट स्टैटिक एंड डायनेमिक। देखो इसका फर्क क्या है, स्टैटिक में क्या है देख लो। स्टैटिक वेबसाइट इज द बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट दैट इज इजी टू क्रिएट। यू डोंट नीड द नॉलेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस डिजाइन टू क्रिएट अ स्टैटिक वेबसाइट। इट्स वेब पेजेस आर कोडेड इन एचटीएमएल, द कोड आर फिक्स्ड फॉर ईच पेज, सो द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द पेज डज चेंज एंड इट लुक्स लाइक अ प्रिंटेड पेज। जैसे देखो अभी क्या होता है, बहुत सारा वेबसाइट ऐसा होता है जो प्री बिल्ट होता है, जैसे थीम होता है ना, थीम वाला वेबसाइट ऑलरेडी वो थीम बना हुआ है, आप उसमें कोई कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, है ना। बहुत सारा ऐसा वेबसाइट होता है, और एक होता है जैसे पीएचपी वगैरह में जो वेबसाइट बनता है उसमें आप कोड चेंज करके एक एक चीज उसका चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो आप। लेकिन जैसे वर्डप्रेस में क्या होता है, देखते हो वर्डप्रेस में चेंज होता है ज्यादा जो थीम बेस्ड वेबसाइट होता है। लाइक अगर कुछ लाइक थोड़ा बहुत भी अगर वेबसाइट के बारे में नॉलेज होगा तो मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन अगर जानना है तो बेसिकली इतना जानो, स्टैटिक वेबसाइट में ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाओगे आप। वो क्या होता है ना, एक लिमिटेड ऑप्शंस उसमें दिया होता है वो पहले से। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ थीम वेबसाइट जो कि थीम के बेस पे बना हुआ होता है, आप उसमें लिमिटेड चेंजेस कर सकते हो। वो अपियरेंस में चेंज हो सकता है बट वो बैकएंड में चेंज नहीं होगा। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट में आप जो, हाँ बोलो बोलो। वर्डप्रेस में जो वेबसाइट बनता है वो सब
स्टैटिक हुआ। हाँ नहीं, उसमें भी होता है, उसमें भी डायनेमिक वेबसाइट बनता है, लेकिन आपको जब आप जैसे जब आप थीम खरीद के जो वेबसाइट बनाते हो ना, हाँ वो होता है स्टैटिक वेबसाइट। जैसे अच्छा, प्री प्री बिल्ट थीम होता है ना, कि ऑलरेडी हाँ थीम बहुत डीवी सारा थीम है, मिला फिर आपका होता है। और एक थीम था एलिमेंटोर है। हाँ हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो थीम ऑलरेडी बना पड़ा है उसको हम लोग, जो थीम के बेस पे वेबसाइट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक वेबसाइट। और डायनेमिक वेबसाइट में वो, अगर वो थीम भी बनेगा ना, तो वो सीएमएस वगैरह कोड में, देखो ये जो है ना ये कोड, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोड से बनता है, जिससे कि तुम जितना भी चाहो उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है। सर, जैसे ये वेबसाइट बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट और पीएचपी में बनाता है, तो वो क्या डायनामिक में ही बनता है? वो डायनामिक रहेगा क्या? वही तो, पीएचपी वगैरह जो होता है वो सब इसीलिए तो, देखो एचटीएमएल भी कोडिंग है, बट वो क्या होता है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें तुम्हें देता है। ठीक है। हाँ तो जो जैसे, हाँ देखो अब यहाँ पे एक चीज मैं ऐसे समझाता हूँ, और जैसे कोई वेबसाइट होता है ना जो कि सिर्फ एचटीएमएल कोडिंग से बना हुआ होता है, ठीक है, कोई वेबसाइट ऐसा होता है जो जावा से मिलके बना हुआ होता है, सीएमएस से मिलके बना हुआ होता है, और कुछ कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो तीन चार का मिक्सचर होके बनता है। तो जो मिक्सचर होके बनेगा वही होगा डायनेमिक वेबसाइट, और जो ओनली एचटीएमएल से बनेगा वो होगा स्टैटिक वेबसाइट। सीधा सा डिफरेंस समझ जाओ। ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, देखो इट यूजेज एचटीएमएल कोड, बस यहाँ पे देखो पीएचपी, सर्वलेट, जेएसपी, एएसपी डॉट नेट, इसमें बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब यूज होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे नॉर्मल जो है, देखो डिफरेंस समझो, प्रीबिल्ट कंटेंट इन सेम एवरी टाइम द पेज इज लोडेड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो एक बार बन गया वही रहेगा हमेशा। इट अच्छा, यूजेज तो एचटीएमएल। इसमें अगर कोई चाहता है कि और एक कॉलम वॉलम जोड़ना, वो सब नॉट पॉसिबल? होगा होगा, लेकिन वो होगा फिर से तुम्हें बैकएंड में ये एचटीएमएल कोड लिख के करना पड़ेगा, लेकिन वो लिमिटेड अच्छा। होगा। उसमें भी ऐसा होगा, मे भी हो सकता है कि तुम एक एक्स्ट्रा कॉलम डाला, अब अगर कॉलम को डिजाइन करना चाहता है वो डिजाइन नहीं होगा। अच्छा मतलब बेसिक चेंजेस तुम कर पाओगे, जैसे हाँ इमेज ऐड करना हो, एक्स्ट्रा पेज ऐड करना हो, वो चीजें हो जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहोगे कि उस पेज में हम मुझे कुछ अपीयरेंस लाना है, कुछ कुछ डिजाइन बनाना है, वो चीजें इसमें नहीं होगी। सर, फिर स्टैटिक वेबसाइट फ्लेक्सिबल कैसे हुआ? इसमें फ्लेक्सिबल कैसे हुआ, इन द सेंस, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ ना कि, अच्छा इसका मतलब पहले समझते हैं, रुको एक मिनट। द कंटेंट मेन एडवांटेज ऑफ डायनामिक सर्वर, द कंटेंट इज ओनली चेंज्ड व्हेन समवन पब्लिशेस एंड अपडेट्स द फाइल। तो देखो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ ना कि फ्लेक्सिबल इन द सेंस, ऐसे कह सकते हैं इसको कि जो इसमें, जैसे बाय द वे मान के चलो कि जो फर्स्ट टाइम में तुम बना रहे हो, जो वेबसाइट तुमने बनाया, तुमने वो चीजें पहले सोच के बनाया, तुम इसमें पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो अपने मन से। ठीक है। जैसे बाय द वे मान के चलो कि थीम में होता है ना ऑप्शन होता है कि पेज वन मोर ऐड, सॉरी क्या बोलते हैं कि ऐड वन मोर पेज, डायरेक्टली तुम यहाँ कहीं पे क्लिक किया ऐड पेज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इसमें अगर पेज ऐड करना है ना डायनेमिक वेबसाइट में, तो तुम्हें स्पेसिफिक कोड लिख के वो ऐड करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, पेज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो वो चीजें सबसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, जी सर, समझ रहे हो, जी इसके लिए तुम्हें स्पेसिफिक डेवलपर का जरूरत पड़ेगा। लेकिन इसमें तुम्हें डेवलपर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी वो डेवलपर बना दिया है। सेम टाइप का अगर नया पेज तुम चाहो, बस तुम टैब पे क्लिक करो, नया पेज ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से डायनामिक वेबसाइट मतलब ये जो आपका जो न्यूज़ का जो वेबसाइट है वो फिर डायनामिक हुआ, क्योंकि वहां पे तो कंटेंट हर रोज चेंज होता है।
जो ये डायनामिक वेबसाइट है उसका अगर कोई एग्जांपल बोले तो ये न्यूज वेबसाइट या फिर जो आर्टिकल वेबसाइट होता है तो उन लोगों का तो जो कंटेंट होता है वो तो रेगुलरली चेंज होता है। देखो कंटेंट रेगुलरली चेंज होता है लेकिन वो लोग अगर ये डायनेमिक वेबसाइट बनाएगा ना तो पागल हो जाएगा। तुम सोचो अगर उसको नया पेज ऐड करना है, नया आर्टिकल ऐड करना है, उसके लिए क्या वेब डेवलपर बुला कर रखेगा? ओह हाँ वो भी सही है, समझ रहे हो? तो वो लोग एचटीएमएल कोडिंग पे करते हैं। हाँ तो अगर अगर स्पेसिफिकली जैसे बहुत बड़ा लेवल का अगर वो कंपनी है ना, जैसे बहुत ज्यादा न्यूज में अगर वो काम करता है तो हो सकता है डेवलपर रख सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर तुम्हें जैसे स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये स्टैटिक वेबसाइट सही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम्हें जो थोड़ा बहुत जो चेंजेस करना होता है ना वो तुम इसमें खुद से कर सकते हो, क्योंकि सारा प्री प्लान्ड होता है कि तुम इमेज ऐड कर सकते हो, पेज ऐड कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो, उसके लिए सारा चीज पहले से बना के देता है डेवलपर, आप उतनी ही चीजें उसमें कर सकते हो। लेकिन डायनेमिक में क्या है, आप अगर आपको कोडिंग करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? जी और किसी का कोई सवाल? स्वाति बाक्षी किसी का कोई नहीं सर, ये समझ में आ गया डायनेमिक और स्टैटिक। तुम्हें समझ में आया कि मैं बीच से जा रहा हूँ इसलिए कहीं सर से चला ना जाए? नहीं सर, ये समझ में आ गया स्टैटिक डायनेमिक। मैं बाक्षी से पूछ रहा हूँ क्योंकि ना कुछ पूछ रहा है ना कुछ बोल रहा सर, है। मैंने तो पूछा अभी। अच्छा तुमने ही पूछा था, सॉरी सॉरी, मुझे लगा राजा पूछा। नहीं नहीं राजा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम भी कुछ बोलो हुआ इस बार, तुमने वो क्या बोलते हैं चुप हो गया इस बार तुम। अरे नहीं सर, कहा मैं तो इससे पहले पूछा था कि स्टैटिक डायनामिक ये वर्डप्रेस वाला। अरे आवाज दोनों का सेम लग रहा है मुझे मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ, किसी का फेस नहीं दिख रहा है ना अंदाजे पर, मुझे क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन पूछ रहा है चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो वेबसाइट जो हम लोग देखो दो टाइप का हमने वेबसाइट देखा, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। अभी इसमें क्या है, अब बहुत सारा वेबसाइट ऐसा ये जो हमने देखा था ना, याद है जो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, ब्लॉग वेबसाइट हो गया, ये वाला जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे वो इसका लाइन का वो आंसर है। ये जो बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी ये जो है और उसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस। हम लोग बहुत सारे वेबसाइट ऐसा भी चूज करते हैं, जैसे होता है ना बहुत सारा वेबसाइट होता है जो सिर्फ ब्लॉग लिखने के लिए लोग यूज करते हैं, है ना? तो उस टाइप को हम लोग जैसे ब्लॉग वेबसाइट कर दिया। बहुत सारा जो सिर्फ सामान बेचने के लिए वेबसाइट बनाते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट बोल देते हैं, समझ रहे हो? तो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने एक थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नाम दे के रखा है। तो हम लोगों को मेन जो कंसिडरेशन में रखना है वो है डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट, अगर मतलब बैकएंड की चीजें अगर कोई पूछे। बट अगर ऐसे कोई पूछता है कि कैसे कितना टाइप का वेबसाइट होता है तो वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे नॉर्मली मैंने दो एग्जांपल दिया, एक हो गया ई कॉमर्स का वेबसाइट, एक हो गया न्यूज वेबसाइट भी देखो हो सकता है ना, ब्लॉग वेबसाइट हो सकता है, स्टोर वेबसाइट हो सकता है, ठीक है? देखो यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, ठीक है? तो इसमें तुम कभी रिलाय नहीं कर सकते कि इतना ही होता है, समझ रहे हो? क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट पर्पस बहुत सारा चीज यूज करता है लोग, ठीक है? तो इसमें कभी भी हम लोग कन्फर्मली नहीं कह सकते कि 10 तरह का ही होता है, 8 तरह का ही होता है, ये हो सकता है फ्यूचर में बढ़ भी सकता है ना, ये रिलायबल नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ई कॉमर्स वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, इंटरटेनमेंट वेबसाइट। अब अगर ऐसा मैं बोलूं इंटरटेनमेंट में तो न्यूज वेबसाइट भी हो सकता है, न्यूज तो इंटरटेनमेंट में ही आता है ना, एजुकेशनल वेबसाइट हो सकता है, इंटरटेनमेंट न्यूज पे होता है ना। देखो यहाँ पे और पहले देखते हैं क्या, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये भी तो एक तरह का
देखो ये सब जितना भी है वो पर्पस से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है। किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे फोटोग्राफर्स के लिए लाइक पोर्टफोलियो बनता है। बाय द वे मान के चलो कि जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटर लोग अपना पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, है ना, तो उसके लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट यूज करेंगे वो लोग। बहुत सारा ऐसा होता है जो सिर्फ ब्लॉग लिखता है, उसके लिए ब्लॉग वेबसाइट हो गया। देखो मीडिया वेबसाइट, ये न्यूज वाले लोगों के लिए। ब्रोचर वेबसाइट, ये जो लाइक क्या बोलते हैं बेसिकली, ये कंसल्टेंसी ये सब टाइप में, या कोई सामान बेचता है उसके लिए, कंपनी का डिटेल कोई देता है उसके लिए ब्रोचर वेबसाइट हो गया। नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, कोई एनजीओ वगैरह जो चलाता है उसके लिए वेबसाइट हो सकता है। बट मुझे लगता है ये नॉन प्रॉफिट वेबसाइट ये सब जो है ना, ये इंडिया में नहीं चलता होगा, क्योंकि ये बाहर के लोगों के लिए ये चीजें होता है। एजुकेशनल वेबसाइट, एडुरेका, व्हाइट हैट जूनियर, ये सब तो एजुकेशनल वेबसाइट ही है। इन्फोप्रेन्योर, ये मैंने पहली बार सुना है, ये मैंने पहली बार देखा है ये चीजें। इन्फोप्रेन्योर वेबसाइट ओवरलैप अ बिट विद बिजनेस एंड ई-कॉमर्स, देख रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट। भाई गजब गजब नाम देके रखा है। वेब पोर्टल डिजाइन फॉर इंटरनल पर्पसेस एट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्मेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। मतलब जैसे कि बाय द वे कोई ईमेल वगैरह कलेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो ये काम आता है, विकी और कम्युनिटी फॉरम वेबसाइट। अच्छा ये डायरेक्टरी के लिए भी हो सकता है, विकिपीडिया टाइप का, जैसे इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा जैसे हब होता है ना, विकिपीडिया भी तो एक तरह का वेबसाइट ही है ना, गूगल भी तो एक तरह का वेबसाइट ही है। समझ रहे हैं मेरी बात को, लाइक मैं कैसे बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, लाइक इससे बोलिए। रिलेटेड और कोई अगर सवाल है तो लाइक कर लो, बिकॉज बट ये चीज है ना, सर मैं सर विकिपीडिया पे तो कोई दूसरे लोग भी उसपे कर सकते हैं ना, लाइक उसको यूज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे मतलब कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसमें हम जो पब्लिक है, हम मतलब हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, हमें वो मतलब वो कंटेंट में चेंज नहीं कर मतलब सकते। अच्छा एक बात एक्सेस बताओ, नहीं। हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया कि जैसे तुम बोल रहे हो कि हम विकिपीडिया में जाके कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सब चीजें बोल रहे हो तुम। हाँ तो अच्छा एक बात बताओ, तुम चलाते हो फेसबुक, फेसबुक में लॉगिन करके जो तुम अपना अकाउंट वगैरह तुम एडिट कर पाते हो, चला पाते हो, डिलीट कर पाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो रहा है कि तुमने फेसबुक में जाके ये मतलब तुम फेसबुक को चला रहे हो, वो नहीं। फेसबुक के अंदर में तुम्हें एक जगह मिला है जहां पे तुम अपना चीजों को चेंज कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए वो जगह है। ऐसा नहीं है कि तुम फेसबुक को चला रहे हो, समझ रहे हो। एक हाँ एक एक वेबसाइट को चलाना वो डिफरेंट चीज है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट इतना बड़ा पोर्टल है सामान के लिए, वहां पे तुम फिल्टर कर पाते हो, कलर सेलेक्ट कर पाते हो, अपना एड्रेस भर पाते हो, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि तुम अमेजोन चला रहे हो, समझ रहे हो नहीं, मेरी बात। हाँ समझ गया। तो तुम्हें वैसा स्पेसिफिक एक्सेस दिया गया है कि तुम चाहो तो हमारे मतलब, जैसे एक बात बताओ कि कंपनी में जैसे मेक मी मार्केटर में तुम भी काम कर रहे हो, तुम एज ए इंटर्न हो, तो तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि मैं मेक मी मार्केटर चला रहा हूँ, नहीं। बिकॉज यू ओनर, तुम एक कंपनी का पार्ट संभाल रहे हो, वो भी तुम्हारे पर्पस के लिए, दैट आई एम डूइंग अ जॉब, इंटर्नशिप, तुम हाँ ना तुम सीखने के लिए यहाँ पे आए हो, समझ रहे हो यहाँ पे, हाँ सर, समझ गए। ठीक है। और कोई सवाल? हाँ सर, नहीं सर, लाइक आप लोग को बागची राजा जी सर, जी सर, कोई ये कोई सवाल इससे रिलेटेड? नहीं, इससे रिलेटेड कुछ नहीं सर। चलो ठीक है, मैं इसका भी ये लिंक दे दे रहा हूँ ताकि ध्यान में रखना, ये सब चीजों को पढ़ते रहना। मैं जो लिंक दे रहा हूँ ना,
उसको बीच बीच में पढ़ते रहना ताकि ये चीजें क्लियर रहे। जैसे मैं जिस टाइम में देखा था उस टाइम में देखो ये वाला वेबसाइट नहीं था, मतलब ये टाइप ऑफ वेबसाइट नहीं था। इन्फोप्रेन्योर अभी नया ऐड किया है, ठीक है? तो इंटरनेट का दुनिया है ना, अपडेट होते रहता है, तो तुम्हें भी अपडेट होना पड़ेगा इन सब चीजों के साथ, ठीक है? अभी ये चीजें हमने कर ली, और पढ़ोगे आज की? बस यहीं तक रखना है हमें। नहीं रखिए सर, ज्यादा हो गया थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया आज, वही तो मैं पता है, जब शुरू दिन मेरे को सुदीप सर इतना कुछ बताए ना, ना मेरा सर। दिमाग वहां हैंग हो गया है। मैं तो इसको 2-3 दिन मुझे लगा, पूरा ब्लॉग मैं एक एक करके पढ़ा, वापस से जब ब्लॉग पढ़ा तब मेरे कुछ क्वेश्चन आया, तब जाके सुदीप सर से पूछा, तब जाके ये चीजें क्लियर हुआ एटलीस्ट। तो कोई बात नहीं, हम लोग देखो क्या करेंगे, ये जो है यहाँ तक हम लोग, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, इट मीन्स हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया, इसके नीचे जो बचा है वो हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल का टास्क ये है। अरे हाँ, ये तो हम एक चीज तो और करना भूल ही गया मैं, ये जो टूल्स के बारे में जो बताना था, टूल्स के बारे में आज बताऊं कि कल कल सुनना है? सर मैं बता उसका सकते वो ठीक हैं? कर दी सर, वो मार्जिन प्रॉब्लम आ रहा था ना, मैं ठीक कर दी उसे। चलो बहुत अच्छी बात है।